आज की हमारी कविता है डस्ट ऑफ स्नो और यह लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आज इस कविता में मैं आपको यह बताऊंगी कि किस प्रकार से हिम के कण यानी डस्ट ऑफ स्नो कवि के ऊपर एक कुआ गिरा देता है। तो चलिए देखते हैं कविता में क्या होता है। द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। कवि बहुत ही उदास सा खड़ा हुआ है और उसका मन बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसका मूड खराब है। तो वह एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है, उस पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ है। अब यहाँ पर कवि ने अन्य किसी पक्षी का वर्णन नहीं किया है, कौवे को लेकर के वो चलता है। ना ही उसने ककू ना नाइटिंगल स्पैरो पिजन डव डक किसी को भी नहीं चुना, कौवे को अपना माइंड बताने के लिए चुना कि उसका मन उदास है। तो वह एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री यहाँ धतूरे का पेड़ है। यहाँ पर भी उसने सुंदर वृक्ष ओक ट्री किसी को भी नहीं लिया है, देवदार का पेड़ होता है, छायादार कई सारे वृक्ष होते हैं। यहाँ पर उसने धतूरे का पेड़ चुना है अपनी कविता को लिखने के लिए। तो कहता है कि द वे ए क्रो शूक डाउन ऑन मी, एक कौवे ने मुझ पर एक धतूरे के पेड़ के ऊपर से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिराए, हिम के कण गिराई यानी डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ की छोटी छोटी डस्ट हो जाती है वह गिराई। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, जैसे ही उसने मुझ पर यह बर्फ के छोटे टुकड़े गिराए तो मेरा हार्ट चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया, मैं खुश हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड, और उसने इस तरह से मेरा एक पूरा दिन बचा लिया। अब मैं पूरे दिन खुश रहूँगा क्योंकि मैं सुबह से उदास था और इस छोटे से कौवे ने जो मेरे ऊपर बर्फ़ की धूल गिराई है, बर्फ़ के कण गिराए हैं, उससे मेरा मन खुश हो गया है। यहाँ पर हम देखते क्या है, हिम के कण क्या है। अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हिम के कण हैं डस्ट ऑफ स्नो, जिसमें कोई भी जैसे धूल मिट्टी होती है, पृथ्वी होती है, तो उसके छोटे छोटे कण होते हैं, उसे डस्ट हम कहते हैं। तो यहाँ पर द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री शेकन डाउन ऑन हिम बाय द क्रो है चेंज्ड हिज मूड, उसका मूड बदल दिया था जो डस्ट कौवे ने पेड़ के ऊपर से गिराई थी। इस कविता की बात करें तो इस कविता में पक्षी का जो प्रयोग हुआ है वो कौवे का हुआ है। कौवे के अलावा कवि ककू नाइटिंगल स्पैरो पिजन आदि का प्रयोग कर सकता था, लेकिन उसे मेंशन नहीं किया है, ऐसा मेंशन नहीं किया है। तो व्हेन वी थिंक ऑफ ए क्रो, जब हम कौवे की बात करते हैं, ए फीलिंग ऑफ बैड ओमेन कम्स टू अवर माइंड, हमारे दिमाग में एक बुरा विचार आता है कौवे को देख करके, बहुत सुंदर सा विचार नहीं आता। वी फील सैड एंड डिसहार्टेंड, और हम उदास हो जाते हैं। वी डोंट लाइक द डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्रो, और कौवे का वर्णन हमें पसंद नहीं आता है। फिर से वह धतूरे के पेड़ की बात करता है। धतूरे का पेड़ जो होता है उसमें पॉइजन होता है, जहर होता है। ए पॉइजनस प्लांट विद स्मेल वाइट फ्लावर्स इज ए हेमलॉक ट्री, छोटे छोटे फूल लगे होते हैं उस पर वाइट कलर के। तो द पोएट डज नॉट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज ए मेपल ओक एंड पाइन बिकॉज ही इज टच्ड बाय हेमलॉक, और ही बिलीव्स दैट ए लिटिल थिंग ऑलवेज हैज ए लार्जर सिग्निफिकेंस, छोटी सी बात बहुत बड़ा महत्व रखती है, वो ये दिखाना चाहता है। यहाँ पर कौवा और धतूरा दोनों ही कवि ने डिफरेंट चुने हैं, अलग चुने हैं। द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय, यहाँ पर जॉय दिखाते हैं, वो खुशी को दिखा रहे हैं।